एक मरतबा फिर कल जो रैली थी उसमें ये घोषणा की गई है कि 370 को हटाया है और 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 400 से ज़्यादा जो हमारा एनडीए अलायंस है उसको सीटें मिलेंगी। क्या इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने 1 दिसंबर 2013 को यहाँ पर पहली एक रैली की थी, ललकार रैली। ललकार रैली एक कैंडिडेट के रूप यस में, यस यस तो उस वक्त आपने देखा होगा तो बहुत सी बातें उन्होंने की थी और आज उसको मीडिया बार बार कोट भी कर रहा है। तब उन्होंने एजुकेशन की बात की थी, तब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी, तब उन्होंने इसमें नौकरियों के बारे में बात की एजुकेशन थी, इंस्टीट्यूशंस की आज बात की थी। एम्स की बात की थी, हेल्थ की बात की थी। जी आज जब उससे हम कंपैरिजन करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो हमने कहा था उसको करके दिखाया है। और 10 साल के इतने छोटे कार्यकाल में, जी 70 वर्षों में जो नहीं हुआ उसका जो जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया और मीडिया भी कर रहा है उसको आप भली भांति समझ सकते हैं। और आज खाली जम्मू कश्मीर की जनता नहीं, और आज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, कल फारूक अब्दुल्ला का उस ट्रेन में बैठ करके जाना ये अपने आप में दर्शाता है कि, और उन्होंने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी किया है। मुजफ्फर बेग जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनका उस रैली में आना, और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन आज भी उस रैली में आए, और जिस प्रकार से जन भावना थी, जिस प्रकार से एक जोश था, आपने देखा होगा इतनी बारिश के दौरान, तूफान के दौरान, ठंड के दौरान, और बहुत से ऐसे दूर दराज का कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ से लोग पहुँचे नहीं थे, और पूरे उनके भाषण के दौरान जो उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन की, चाहे वो गरीब कल्याण की बात करनी हो, चाहे वो लखपति दीदी, चाहे बसोली की एक महिला ने जिस किस प्रकार से अपने रोजगार स्थापित किया, आयुष्मान भारत को लेकर के, मकान को लेकर के, पुलवामा में और खास करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोगों ने उनका धन्यवाद किया है, जी तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि जब अपने कार्यकाल में जिस चीज़ का भी शिलान्यास रखा जी उसको उद्घाटन भी किया, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को लेकर के बात हुई जी। उस पर कभी जी, दो सवाल आपसे। एक तो आपने कहा जो लाभार्थी हैं उनसे इंटरेक्ट किया उन्होंने, एक महिला का जिक्र किया, वो महिला का आज वीडियो बड़ा वायरल, फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो महिला आपकी कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता और लंबे समय से आपके साथ चल रही है। दूसरा आपने ये कहा कि क्यों क्यों वोट देंगे, हमने ये किया, और खुद आपने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो ट्रेन में बैठ के गए, उन्होंने सराहना भी की, लेकिन विपक्ष ये कहते हैं कि आप डराते हैं, ईडी का समन भेज करके उनको मजबूर कर देते हैं कि वो आपकी सराहना भी करें और आपके साथ चलें। देखिए ऐसा है, इससे पहले इस देश में जो 70 साल में हुआ, अगर ईडी कहाँ कहीं पहुँचती है तो आप खुद समझ सकते हैं किसी के घर से 350 करोड़ रुपया निकलता है, किसने किस तरह से इरेगुलरिटीज करके अपनी पावर का नाजायज़ फायदा उठाया है। आज 10 साल की ये सरकार जो एनडीए की रही, तो आप एक भी ऐसे व्यक्ति पर जो उंगली उठाए तो, क्योंकि एक ईमानदार सरकार रही है। UPA 2 का जो समय था कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन घोटालों की बौछार नहीं होती थी। आज उन चीज़ों पर जब लगते हैं लोग पहली सरकार से अब की सरकार से कंपैरिजन करते हैं, ईडी उन्हीं लोगों के घर में जाएगी, डर उन्हीं को लगेगा जिन्होंने गलत किया है। आम जनता यहाँ पर जी रही है उनके लिए कोई ईडी नहीं है, तो जिन लोगों ने कुछ इरेगुलरिटीज़ की हैं तो उन पर एक्शन होना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर के आपको आईना दिखा दिया है, तो विपक्ष ने इसको बड़े हार्ड हाथों लिया है। विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का घटा गला घोटा जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया है। देखिए हम एक राजनीतिक पार्टी हैं जी, हमारी तरफ से जहाँ जहाँ भी कोई इस प्रकार की कोई घटना हुई हमने भी उसकी निंदा की, तो अगर कोई गलत बात हुई है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे भी लगता है, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा जांच के साथ। लेकिन इस गैप में क्या क्या परिस्थितियाँ बनी होंगी ये मैं कह नहीं सकता, क्या दबाव रहे होंगे, लेकिन
अगर वो उन्होंने अपने तरीके से जांच की है उसमें अगर गलत है तो उस गलत कहने में कोई हर्ज नहीं। जब आप 370 और 400 की बात करते हैं तब विपक्ष आप पर आरोप लगाते हैं कि इनको पूरा भरोसा है क्योंकि ये ईवीएम के साथ गेम करते हैं। देखिए इलेक्शन कर्नाटक में भी हुए, बाकी स्टेट्स में भी हुए, हिमाचल में भी हुए, तेलंगाना में, तब इस प्रकार की बातें नहीं होती, तब इस प्रकार की बातें नहीं होती। तो विपक्ष का बेतुका ये जो सवाल है इस पर बातें करना, अभी साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर नहीं होते। अगर हम धांधली करना चाहते तो आज मोदी जी का जो एक ग्राफ बना है इसी कारण से बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ग्राफ बना है इसी कारण से बना कि हमने काम करके दिखाया है। कोई भी क्षेत्र देख लो और जब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएं तो लोग साथ में जुड़ते हैं, तो INDI गठबंधन को शक होना शुरू हो जाता है कि शायद ये गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसका साफ जाहिर होता है, कहीं ना कहीं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट दायरे हैं उन पर सवाल उठाते हैं। इंडिया ब्लॉक का उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ SP के साथ समझौता हो गया, हालांकि बाकी जगहों पर नहीं हुआ है। वही जो दिल्ली का दरबार होता है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। देखिए हम अपने विकास की जो धारा है उस पर विश्वास करते हैं। पहले भी जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में नहीं थे तब भी हमने 80 सीटें जीती थी। आज तो वहाँ पर वो जंगल राज को हमने ख़त्म किया है। आज वहाँ पर जिस प्रकार से राम मंदिर, काशी, विश्वनाथ, दूसरी चीज़ों को हमने डेवलप किया है, जन भावना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी आज जिस प्रकार से ये विपक्ष बौखलाया हुआ है, कारण उसका ये है, वो तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि आज कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढ रही है अभी अखिलेश के साथ मिलने का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा देर चलने वाला है। ममता ने नकारा, नीतीश ने नकारा, उसके बाद उद्धव ने नकारा, पंजाब में केजरीवाल ने नकारा, हर जगह ये नकारते हुए तो अब उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस निकलती है इनकी जो सो कॉल्ड न्याय यात्रा है, तो वहाँ पर देखो आपने देखा, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को किस प्रकार से उन्होंने कल उनके वर्करों ने उसके कैमरामैन की, उनके जो पत्रकार की, उसकी पिटाई की। क्या ये लोग, ये लोकतंत्र है? तो राहुल की गांधी में राहुल के गाड़ी के सामने वहाँ पर ये हो रहा है और राहुल उससे बहस कर रहे हैं, कितना स्टैंडर्ड है उसका हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने 1975 में भी प्रेस का गला घोंटा था, आज उसी खान कश्मीर में ला करके, यानी युवाओं को गिरफ्तार करके डंडे के साथ, लाठी के साथ सरकार चला रही है और उसको अमन का रूप दे रही है। देखिए ऐसा नहीं है, नौजवानों के मन बदले हैं। नौजवानों को गुमराह किया जाता था पैसे के बल पर, पाकिस्तान के जो पैसा आता था, आज जगह जगह पर हमने उनको बेनकाब किया है, बहुत से ऐसे लोगों को नौकरियों से टर्मिनेट किया है, वो जो इस प्रकार के जमायत थी या हुर्रियत थी उनको बैन किया है। यही लोग वहाँ पर अलगाववाद फैलाते थे और कमज़ोर सरकारें होने के कारण से केंद्र में हमेशा से इनके पेट में दर्द होता था, तो इनके लिए स्पेशल जहाज लाकर आज क्यों उनको इतनी सिक्योरिटी दी जाती थी जो देश के दुश्मन है। अगर उनको रोका है तो रोकेंगे, डंडे के साथ भी अगर काम चलाना तो चलाना चाहिए, देश हित में है ये। जी लेकिन जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं दूसरी जमातों के, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि 500 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया था वो भी 500 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो इंडिया अलायंस J&K में तो खत्म हो गया, या आप अपनी जीत मानते हैं या कोई स्ट्रेटेजी? देखिए अगर नीति और नियत और मुद्दों के आधार पर कोई गठबंधन बनता है तो वो आगे चलता है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत आज ये है कि जो पार्टियां यहां पर जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही, आज उनको इकट्ठे मिल करके बैठना शुरू हुआ है। लेकिन कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं, कोई पाकिस्तान की बात करता है, वो लोग तो बिखरेंगे ही। जब महत्वाकांक्षा जब बढ़ती है, ये इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा हैं, सभी चाहते हैं कि एक दूसरे के, और फारूक अब्दुल्ला को अब नज़र आया जाता था। आज मेरा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मुसलमान के हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए। आज पहाड़ियों को दर्जा पहले क्यों नहीं मिला, वो भी तो मुस्लिम थे।
आज गुजरों बकर वालों को 9 सीटें क्यों नहीं मिली, आज कश्मीरी पंडित समाज के लिए वो सीटें 2 विधानसभा में आरक्षित की गई हैं, जो ये वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे उनके लिए सीट आरक्षित की गई है, वो वाल्मीकि समाज जो यहाँ पर सिर्फ PhD करके की सफाई कर्मचारी की नौकरी ही कर पाता था, आज गोरखा समाज जो महाराजा की सेना में थे, आज उन सभी लोगों को न्याय मिला है, वो इस बात से आकर्षित हैं, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं। तो ये जो कुछ सरकारें रही हैं उन्होंने पर्टिकुलर अपने लोगों पर फोकस किया है, और कश्मीर में की सरकार रही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, तभी वो यूटी की डिमांड करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये है कि सभी जो चाहे खित्ते हैं सबका समान विकास हो रहा है, ये हमने करके दिखा। एक स्लोगन आपने दिया कि हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करते हैं, क्या इसको आप राष्ट्रनीति कहते हैं? आपने महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, 416 विधायकों का खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी करके, इसको राष्ट्रनीति कहते हैं? देखिए, कांग्रेस पर लोग कितना विश्वास करेंगे हम समझ सकते हैं, जब कोई इस प्रकार की घटना होती है तकलीफ होना स्वाभाविक बात है जी। सरकारें देखिए, जब यहाँ पर हम इलेक्शन में आए थे जी, तो हम शिवसेना के साथ आए थे, धोखा किसने किया? हम बड़ी पार्टी थे, शिवसेना उनके साथ मिल गई, कितनी देर सरकार चली? जब बिना किसी मुद्दे के सरकार चलती है, बिना किसी, सिर्फ एक वो टेम्परेरी फेज होते हैं वो, तो देखो सरकारें खुद ब खुद चली गई, लोगों ने समझा उनकी पार्टियां टूट करके, हमने हम किसी को नहीं तोड़ते हैं, वो खुद ब खुद टूट करके आते हैं, ये समझना चाहिए। आज अगर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर हमेशा से इस प्रकार का माहौल था, नक्सलाइट थे, दूसरे थे, वहाँ पर घुसपैठ थी, आज वहाँ पर सरकारें जो हैं, आज वहाँ पर माहौल ठीक हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, पहले जब करने की नीयत ना हो तो नहीं होता, जब करने की विल हो, इच्छा शक्ति हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल होती। आपने कहा कि कुछ लोग सेल्फ रूल की डिमांड करते थे, कुछ एटोनॉमी की डिमांड करते थे, लेकिन इत्तेफाक से आपने दोनों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। देखिए, ये कौन सा फार्मूला है? देखिए, जब NDA थी, जब अटल जी थे, हमने 38 पार्टियों को लेकर के चलने की क्षमता हमारे पास थी, हम लेकर चले। जहाँ तक आप ये सेल्फ रूल वालों की बात करते हैं, आपने देखा जिस प्रकार से मैंडेट मिला था, तो जम्मू और कश्मीर अलग अलग से वो PDP को मैंडेट मिला, वो जब उसका, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के वो सरकार बनाते तो स्वाभाविक बात है वो कश्मीर की सरकार होती, ना कि जम्मू की। उस वक्त की ये थी, 3 महीने हमें सोचने में लगे, हमने अपने जो मुद्दे थे उनको नहीं छोड़ा, उसको हमने, ये अगर हम वहाँ पर सरकार नहीं बनते तो अन्याय होता ये लोगों के साथ, तो जितनी देर चली हमने चलाई, समर्थन भी हमने वापस लिया, वही उसी का परिणाम है कि हमने सरकार में जाना क्या होता है। वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक वाले लोग कहते हैं कि हम डिक्टेट करते रहे उनको, जो जो हम कहते रहे वही BJP वालों से हम कराते रहे। देखिए, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, सरकार बड़े तरीके से चली, जब उनको लगा कि मैं भी थोड़ी देर जो मुझे समय मिला, कुछ घटनाएँ हुई, यूनिफाइड कमांड में जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर कहा जाता है इन पत्थरबाजों के साथ अपने बच्चे हैं, तरीके से निपटिए। मैंने भी वहाँ पर ये कहा था, ये रिकॉर्ड है कि इनको सख्ती से निपटिए, उसी के कारण हजारों की तादाद में पत्थरबाजों को आपके कार्यकाल में छोड़ा गया, आपकी सरकार के कार्यकाल में। देखिए, आज पत्थरबाजी नहीं है, हमने देखा, जाना, परखा, उसके बाद किया। आज कहाँ है वो पत्थरबाज? एक नियत होनी चाहिए, पैसे पता नहीं सरकार देती थी तो तभी हमने समर्थन वापस लिया। धारा 370 के लिए जो कहते थे यहाँ पर झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज झंडा ही अगर नजर आता तो तिरंगा, ये हमारी जीत है, ये भारत की जीत है, ये भारत माता की जीत है। आप पर एक आरोप लगता है कि आपके स्पीकर होते हुए सदन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और आप उनको पनिश नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनको रोका भी गया, उनको वार्निंग भी दी गई और उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी थी, रिकॉर्ड में है जी। तो उसने कहा था कि वैसे मैंने जोश में आकर के बोल दिया, ये रिकॉर्ड में है, और हमने हमने और बहुत कुछ कहा था, हमने कहा था कि उन्होंने मुझ पर संघी होने का आरोप लगाया था, हमने कहा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पहले हैं, तो स्पीकर की सीट पर बैठ करके तिलक लगा करके और पूरे एक न्याय व्यवस्था के साथ मैंने काम किया है, मुझे अपने आप पर एक सेटिस्फेक्शन है। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र विरोध
करने के बाद कोई माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, एक गरिमा रहती है, उसके एक रूल है, तो रूल्स के हिसाब से ही चले। तो जब उन्होंने इस चीज़ को कहा तो आगे से उनकी जो बोलना उनका बंद हुआ। जी, आपने ओबीसी को आरक्षण दिया, पॉलिटिकल आरक्षण दिया है, आपने 33% महिलाओं को 2029 के बाद आरक्षण देने की बात की है, आपने पहाड़ी ट्राइब्स को ये ST का दर्जा दिया है, क्या ये आपको आने वाले चुनाव में फ़ायदा दे पाएंगे या आप गुजरों और बकरवालों को नाराज़ कर बैठे? देखिए ऐसा है जी, हमने किसी का अधिकार छीन करके किसी को अधिकार नहीं दिया है। हम जो भी करते हैं इलेक्शन का सोच करके, वोटों की गिनती सोच करके, इस देश में महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए। किया हमने तो GST के फैसले भी लिए, तब पूरे देश में कई स्टेट्स ने लागू नहीं किया, लेकिन आज अच्छा है। हमने डीमोनेटाइजेशन भी की, आज वहाँ पर बहुत सवाल उठाते थे, वो तरीके से चला है, परिस्थितियाँ बदली हैं। तो जब निर्णय लिए जाते हैं दिल के साथ लिए जाते हैं, ये सोच करके नहीं लिए जाते, खास करके ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि देश हित में जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे। आप पर आरोप लगता है कि आप मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, 80-20 की राजनीति करते हैं, गीता कुरान की राजनीति करते हैं, क्या 2024 में भी यही मुद्दे रहेंगे? देखिए लोगों को भी समझ आई है, जहाँ अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर मस्जिद भी बनने जा रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो बाकी पार्टियाँ थी वो हमेशा से लड़ाती रही, इस देश का जनमानस ये समझ रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर मक्का मदीना के मेन जो मौलवी हैं वहाँ पर ला करके उसका मस्जिद का उद्घाटन करने वाले हैं, और दूसरे देशों में हमारे मंदिर बनते हैं, तो ये जीत हमारी है या लोगों को दिल जीतने की बात है। मुझे लगता है कि हम मंदिर मस्जिद में कोई भेदभाव नहीं रखते। जब इस देश का मुसलमान अपने आप को हमलावरों के साथ जोड़ेगा, बाबर के साथ जोड़ेगा, शाहजहां के साथ जोड़ेगा, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में रहना है तो इस देश के जो पुरुष, जो महापुरुष हैं, उनको तो मानना ही होगा। हम किसकी संतानें हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, उसका सम्मान करना जरूरी है। हम भी उनका, हम यही कहते हैं कि तीन जो मेन, हम भगवान कृष्ण का मंदिर जो मथुरा में है, या दूसरा मथुरा काशी और अयोध्या, ये तीनों दीजिए, इस पर ये जो आपस में सवाल जवाब है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जो है विकास के नाम पर वोट मांगा जाएगा? देखिए मोदी की गारंटी और विकसित भारत, ये नज़र आ रहा है, इन चीज़ों के आधार पर जनता हमें वोट देने वाली है। और जो हमने किया 10 सालों का, हम उसका हिसाब जनता से मांगते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोई भी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, यहाँ पर प्रो लोग चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमने काम करके दिखाया है। 370 को आप 2019 में फैसला लिया गया 5 अगस्त को, आप 2024 में आपको उसको बेचना चाहते हैं? आपने स्लोगन है, आपने स्लोगन दिया है कि 370 हमने हटाया है, इस बात की तस्दीक करता है, और हम ये डिमांड करते हैं कि 370 सीटें बीजेपी अगर मिल जाए। अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसका फायदा क्यों नहीं लेंगे? तो जनता अपनी मर्जी से वोट पाती है, जनता निर्णायक है। जब वोट डालने जाता है उसके साथ कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता, वो अपनी मर्जी से वोट डालता है। तो हमें विश्वास है कि हम 370 सीटें लेंगे, और NDA के साथ जब मिलेंगे तो 400 सीटें से ऊपर हमारी, ये पहली बार ऐसा होगा। आपने श्रीनगर और बारामूला सीट को लेकर कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, अनंतनाग को लेकर के तो आप चल रहे हैं, वहाँ पता नहीं कितने कामयाब होंगे, लेकिन क्या बारामूला और श्रीनगर को लेकर के कोई खास स्ट्रेटेजी आपने बनाई? कल अगर वहाँ पर हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रैली में आते हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ना कुछ तो लोग वहाँ उनके साथ जुड़े हैं, वो भी जनता की नब्ज परखते हैं। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी है जिसका संगठन पूरे कश्मीर में है, बाकी ऐसी पार्टियां बहुत सी हैं जिनका संगठन नहीं है। हम समान विचारों को लेकर के लोगों के साथ जुड़ेंगे, अगर कोई समान विचारों का व्यक्ति भी होगा हम उसको भी सपोर्ट करेंगे जो देश हित की बात करेगा। किसानों को आप क्यों नहीं साथ में ले जा पा रहे? अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं किसान उग्र होते जा रहे हैं अपनी। देखिए वो झूठे किसान, उनको हम नहीं मानते हैं, जो देश में अफरा तफरी, आपने उनकी वीडियोस देखी, कौन उनको कनाडा से चलाता है, कौन खालिस्तान की मूवमेंट लेकर के चलाता है, ये राज्य का काम है। राज्य का काम पंजाब में
सरकार है, अगर MSP तय करनी है वो सरकार तय करेगी, उसमें वहाँ पर दो फसलों की MSP है, तो हरियाणा जहाँ हमारी सरकार है वहाँ 22 फसलों की है। तो ये जानबूझकर एक अफरा तफरी का माहौल बनाने का इस देश में कोशिश, इसका कोई महत्व नहीं है, खुद ब खुद चले जाएंगे और लोग भी समझेंगे ये झूठे किसान हैं, असली किसान हैं। आपने देखा सुबह से किस प्रकार से, पैसा कहाँ से आता है, जो किसान होते हैं एयर कंडीशन ट्रालियाँ लेकर के नहीं आते या सोच करके नहीं आते, वो चाहते हैं कि कोई एक्शन हो तो हम उसका रिएक्शन दें, लेकिन सरकार को पता है किन लोगों को किस प्रकार से निपटना है। लेकिन जिस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी है, जम्मू कश्मीर UT की 5 सीटें हैं, क्या इनमें से आप कितनी पर आप दावा करते हैं? हम 5 पर दावा करते हैं, हम पूरे प्रदेश की पार्टी हैं, हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं जिनका आधार कश्मीर में होगा या PDP की तरह नहीं, हम इस वक्त पूरे प्रदेश की पार्टी, हम 5 सीटों पर अपनी जीत तय करने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि एटलीस्ट यहाँ पर लोकतंत्र बहाल हो और साथ साथ में स्टेटूट का दर्जा मिले, लैंड और जॉब उनका प्रोटेक्ट हो, ये 5 उनके अहम मुद्दे हैं। देखिए बिल्कुल मिलेगा, प्रधानमंत्री जी एक जिम्मेवार आदमी हैं, गृह मंत्री जी एक जिम्मेवार आदमी हैं, संसद के पटल पर उन्होंने कहा है यहाँ पर जब हालात थोड़े ठीक होंगे, अभी जो आज भी बहुत से लोग हैं बहुत कुछ ठीक किया है, बहुत कुछ ठीक करना है, जब उनको लगेगा कि लैंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ पर, जो आपने देखा होगा कि जो मिलिटेंट्स के बच्चे थे जो मारे गए उनको पुलिस में लाया गया, आज वो वहाँ इन्फॉर्मर बन करके, ओवरग्राउंड वर्कर बन करके, अंडरग्राउंड वर्कर बन करके काम करते हैं। इस प्रशासन में अभी भी बहुत कुछ स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है, तो जब अच्छा समय आएगा तो ज़रूर स्टेटहुड वापस देंगे और जिसको जो अधिकार हैं वो सभी मिलेंगे। कवि जी, एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि 2,11,00,000 पर्यटक आए थे, दूसरी तरफ आप क्लेम करते हैं कि यहाँ पे G20 का सफल आयोजन हुआ था, और अब आप कहते हैं कि जब माकूल माहौल होगा तभी इलेक्शन करवाए जाएंगे। देखिए किसी ने इलेक्शन की बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और डिमांड भी करती है कि यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हम उसके लिए जवाबदेह हैं, सरकार इलेक्शन भी कराएगी, जब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन करता है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, मैं ऐसा आपको दावे के साथ कहता हूँ। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि डेली वेजर्स नीड बेस्ड वर्कर्स को लेकर के प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, उनको बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के विजिट पर कोई उनको फ़ायदा मिल सकता है उनको। देखिए विपक्ष की गलतियों को हमने सुधारा है, उनकी की गई नालायकियों को हम भुगत रहे हैं, हर चाहे वो NYC है, चाहे रेबरे जंगलात है, रेबरे दूसरी है, उसके बारे में हम सोचते हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा, उनकी अगर पे बढ़ाई तो हमने बढ़ाई। अब जो बैकडोर एंट्रीज किस तरीके से, और मैं आपको बताता हूँ, मैं उस वक्त यहाँ पर पहले 60,000 की बात की जाती थी, जब मैं स्पीकर के नाते जब लिस्टें बनी तो 1,00,000 की एक रातों रात हो गई, तो कहीं ना कहीं तो जांच करने की जरूरत है, कौन लोग सच में हैं, कौन लोगों को फर्जी लगाया गया है, तो सरकार इस पर काम कर रही है और मुझे लगता है कि हमारी जो राज्य प्रशासन है उस पर काम कर रहा है।